निगम क्षेत्र अंतर्गत आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के टैक्स कलेक्ट करने वाले लगभग एक दर्जन कर्मी शनिवार को निगम कार्यालय पहुंचकर उपनगर आयुक्त के नाम एक आवेदन प्रभारी महापौर प्रकाश राम को सौंप कर मानदेय की राशि कम पर प्रताड़ित करने की बात कही। जानकारी दी गई कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट निगम क्षेत्र अंतर्गत डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करती है। इसके टैक्स तस्वीर को लेकर हम सभी टैक्स कलेक्शन करने का काम करते हैं, लेकिन जब भी कंपनी में नए इंचार्ज आते हैं तो उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, साथ ही धमकी दिया जाता है। कर्मियों ने बताया कि पहले हम सभी को 1000 की राशि पर 20% कमीशन के तौर पर वेतन दिया जाता था, लेकिन अब प्रताड़ित करते हुए कहा जा रहा है कि 80000 कलेक्शन करने पर 10000 सैलरी देंगे। उपनगर आयुक्त से मांग किया गया कि हम सभी कर्मियों को पूर्व में जो 20% मानदेय मिलता था वह फिर से मिलता रहे, ताकि हम लोग टैक्स कलेक्टर कर अपने परिवार का रोजी रोटी चला सके। वहीं इस संदर्भ में उप महापौर ने बताया कि आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे देखते हुए आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी और नगर आयुक्त से बात कर उचित पहल किया जाएगा। वहीं मौके पर चंदन कुमार, बेबी देवी, गीता देवी, परमिला कुमारी, पिंकी कुमारी, रीता देवी समेत अन्य टैक्स तस्ली करने वाले कर्मी मौजूद थे। ज्ञापन दिए हैं, इस पर क्या आश्वासन मिला? आकांक्षा के मानदेय कर्मी जो डोर टू डोर और यूजर चार्ज कलेक्शन करने का काम करते हैं, वैसे लोगों का ने आवेदन दिया है कि हम लोगों को कम पैसा देने की बात कर रही है। जो पैसा मिलता था 20% हमारा एग्रीमेंट हुआ था और उसको घटाने की बात लोग कह रहे हैं कि अब हम उतना नहीं दे सकेंगे और अब कम पैसा देंगे, उसी को लेकर। और आज लोग मिले, हमने कहा है कि हम बात करेंगे और इसमें जो भी सच्चाई है, एग्रीमेंट का कॉपी भी दिए हैं लोग, और उस एग्रीमेंट के तहत आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट को भी देना चाहिए। हालांकि इन लोगों पर दबाव दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करके दीजिए, तो मैं आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूँ कि जब तक गाड़ियाँ सारे वार्डों में नहीं चलेगी, तब तक जिस वार्ड में गाड़ी नहीं जाती है कूड़ा संग्रहण के लिए, वैसे लोग पैसा क्यों देंगे? गाड़ियाँ जाएगी तो निश्चित रूप से पैसा देंगे। इन लोगों ने भी कहा है कि सभी वार्ड में गाड़ियाँ नहीं जाती है तो हम लोग को पैसा लोग नहीं देना चाहते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण है कि गाड़ी सभी वार्डों में जाए, और जब सभी वार्डों में गाड़ियाँ जाने लगेगी, सभी हर घर से कूड़ा संग्रहण होने का काम विधिवत शुरू मैंने अच्छे ढंग से शुरू हो जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई घर ऐसा है जो पैसा नहीं देना चाहे। सभी टैक्स कलेक्टर का कि हम लोग का मतलब मजदूरी घटाया जा रहा है, मानदेय जो हम लोग को मिलता था 20%, वो अभी बोला जा रहा है कि 80000 कलेक्शन करने पर 10000 मिलेगा, इस तरह से बोला जा रहा है। और जो कि सभी जगह से उस तरह से सर्विस में है कि 80000 दे के मतलब हम लोग उस तरह से उठा पाए। ऐसे हम लोग 80000 कलेक्शन करने पर 16000 मिलता था, तो अभी घट गया है हम लोग का। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? हम लोग का यही मांग है, जो हम लोग को मिल रहा था वही मिले, 20% जो मिल रहा था, 1000 20% मिलता था वो मिली। कहाँ लेकर कहाँ काम कर रहे हैं आप? आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट की रेडी। क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं? टैक्स कलेक्टर का काम कर रहे हैं। तो अभी कम कर दिया गया है? हाँ, अभी कम कर दिया गया। कितना लोग हैं आप लोग? अभी बोला जा रहा है कि 80000 कलेक्शन करने पे आपको 10000 मिलेगा। कितना लोग हैं आप लोग? हम लोग 9 जन है। अभी डिप्टी मेयर के पास आए थे, क्या मांग? यही मांग को लेकर कि हम लोग को जो इतना महंगाई में हम लोग का मतलब मजदूरी ना घटाया जाए। क्या आश्वासन मिला? चल सके तो डिप्टी मेयर साहब बोले हैं कि मतलब हम लोग का बात रखेंगे।